ने दी किसानों को सौगात, गेहूं की खरीद पर बोनस का ऐलान, अब 2400 रुपए का मिलेगा रेट। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है, अब मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं का अधिक दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का ऐलान किया है। अभी तक किसानों को गेहूं का भाव 2275 रुपए की दर से मिल रहा था, लेकिन बोनस जुड़ने के साथ गेहूं का भाव 2400 रुपए हो गया है, यानी किसानों को इस साल गेहूं की सरकारी बिक्री पर 2400 रुपए का भाव मिलेगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल गेहूं की बिक्री शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज कई फैसले लिए, जिसमें गेहूं के MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने का भी फैसला शामिल है। इस फैसले में कहा गया है कि गेहूं के मौजूदा MSP 2275 रुपए पर 125 रुपए का बोनस जोड़कर दिया जाएगा। इस तरह किसानों के खाते में प्रति क्विंटल 2400 रुपए आएंगे। ये फिलहाल गेहूं किसानों के लिए बड़ी खबर है। इससे पहले भी सरकारों ने बोनस का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस तरह का बोनस दिया जा रहा है। उसी तरह यूपी सरकार ने भी गेहूं की खरीद का रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इसका ऐलान किया। राजस्थान में MSP को पिछले साल से 150 रुपए बढ़ाया गया और इस साल गेहूं का MSP 2275 है, जिस पर राजस्थान सरकार 125 रुपए का बोनस दे रही है। इसी तरह राजस्थान में भी 2400 रुपए के भाव पर गेहूं की खरीद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।